जय हिंद साथियों। दोस्तों एक और बड़ी अपडेट, ये कॉरिडोर अगर बन जाता है तो अब दिल्ली एनसीआर के लोगों को दिल्ली दूर होने का जो अनुभव है वो नहीं प्राप्त होगा। तो ये कॉरिडोर बनने से अब एनसीआर के लोगों के लिए दिल्ली दूर नहीं रहेगी। यहाँ समझिए पूरा ग्राफ, अब दिल्ली दूर नहीं। देखिए, दिल्ली और मेरठ के बीच बन रहे देश के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम पूरे एनसीआर के लिए बेहद फायदेमंद होने वाला है। इसकी मदद से हरियाणा और राजस्थान की इंडस्ट्री, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, ऑफिस, रेजिडेंशियल समेत तरह तरह के विकास कार्यों में तेजी आएगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC इस दिशा में बड़ी तेजी से काम कर रहा है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS को 2025 तक चालू करने का लक्ष्य रखा गया है। NCRTC का दावा है कि RRTS ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रांसपोर्ट लेकर जाएगा दो मैप के जरिए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने इसे समझाने का प्रयास भी किया है। अभी सेंट्रल दिल्ली के 1 घंटे में सिर्फ राष्ट्रीय राजधानी के चारों ओर बॉर्डर में उसके आसपास का सफ़र किया जा सकता है। वहीं जब RRTS पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा तब 1 घंटे में दिल्ली NCR का सबसे बड़ा हिस्सा कवर किया जा सकेगा। घंटे भर में पानीपत, मेरठ, अलवर जैसी जगह से सेंट्रल दिल्ली पहुंच सकेंगे। जानकारों की माने तो ऑफिस, दुकान, फैक्ट्री या कहीं नौकरी पर जाने के लिए लोग आमतौर पर 1 से 1.5 घंटे तक खर्च कर देते हैं। यदि RRTS की सुविधा शुरू हो जाएगी तो दिल्ली के लोग आस पड़ोस के शहरों में शिफ्ट हो सकेंगे। यूं भी कहा जा सकता है कि दिल्ली से मतलब 100 से 120 किलोमीटर की दूरी के मुसाफिर रोजाना कम समय में आकर अपना काम कर सकेंगे। इससे उनका वक्त और पैसा दोनों बचेंगे। हरियाणा सरकार ने हाल ही में मंजूरी दी। NCRTC बोर्ड अध्यक्ष और सचिव, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मंत्रालय की अध्यक्षता में 13 मार्च 2020 को दिल्ली पानीपत RRTS कॉरिडोर की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR को मंजूरी दी गई। हरियाणा सरकार ने हाल ही में इस कॉरिडोर को मंजूरी दी है और यह दिल्ली सरकार के लिए हरी झंडी के बाद इसे औपचारिक मंजूरी के लिए केंद्र के पास भेजा जाएगा। हालांकि मंत्रालय ने सोमवार को राज्यसभा में बताया कि दिल्ली सरकार SNB शाहजहाँपुर, नीमराहा, बहरौर और दिल्ली पानीपत कॉरिडोर के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने पर सहमत नहीं हुई। मंत्रालय ने यह भी कहा कि दिल्ली पानीपत कॉरिडोर के लिए हरियाणा सरकार की मंजूरी और वित्तीय प्रतिबद्धता के लिए 7 DPR और दिल्ली NCB कॉरिडोर के लिए हरियाणा और राजस्थान की वित्तीय प्रतिबद्धता के साथ मंजूरी प्राप्त हो गई है। तो बड़ी अपडेट है ये आप लोगों के लिए।